इतनी बजे शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला। घोषित हुई दोनों टीमों की खतरनाक स्क्वाड टीम में मिली इन बब्बर शेरों को जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज होने वाली है। इस वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों ने अपनी अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहाँ पर वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज में दोनों टीमें अपने खिलाड़ियों को आजमाने के लिए मैदान पर उतरने वाली हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार दोनों टीमों में किन किन खिलाड़ियों को जगह मिली है। लेकिन उससे पहले, आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस सीरीज को जीतकर शानदार परफॉर्मेंस करे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से इस सीरीज में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे पैट कमिंस, जो कि काफ़ी शानदार गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो यानी कि पैट कमिंस से इस टीम को काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके अलावा एक और गेंदबाज के तौर पर सीन एबॉट का जगह मिली है। तो साथ ही बल्लेबाजी की बात करें तो विकेट कीपर के तौर पर एलेक्स कैरी को जगह मिली है, जबकि टीम में चौथे खिलाड़ी नेथन इलिस हैं, तो पांचवें खिलाड़ी के तौर पर कैमरून ग्रीन मौजूद हैं, छठे खिलाड़ी के तौर पर जॉस हेजलवुड है, तो सातवें खिलाड़ी जॉस इंग्लिश हैं, आठवें खिलाड़ी के तौर पर स्पेंसर जॉनसन को जगह मिली है, तो नौवें खिलाड़ी मार्नस लबुसेन हैं, दसवें खिलाड़ी के तौर पर मिचेल मार्स को जगह मिली है, तो ग्यारहवें खिलाड़ी इस टीम में ग्लेन मैक्सवेल हैं। ग्लेन मैक्सवेल काफ़ी लंबे समय से वापसी कर रहे हैं इस टीम में। तो वहीं पर बारहवें खिलाड़ी के तौर पर तनवीर संगा को जगह मिली है, तो तेरहवें खिलाड़ी मैट शॉर्ट हैं, चौदहवें खिलाड़ी के तौर पर स्टीव स्मिथ मौजूद है, तो पंद्रहवें खिलाड़ी मिचेल स्टार्क हैं, जबकि सोलहवें खिलाड़ी के तौर पर मार्कुस टोइनिस हैं, तो सत्रहवें खिलाड़ी डेविड वार्नर हैं। तो वहीं पर टीम में अठारहवें खिलाड़ी के तौर पर एडम झेम्पा मौजूद हैं। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो स्पिन गेंदबाजी से लेकर तेज़ गेंदबाजी तक का काफ़ी शानदार कॉम्बिनेशन इस टीम के साथ हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है जो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फिलहाल इस टीम के खिलाड़ियों की बात की जाए तो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने खेल का रुख अलग स्तर पर लेकर गए हैं। हालांकि पिछली सीरीज़ में इनके लिए ये नतीजा इनके पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर इन्हें सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहीं पर दूसरी तरफ टीम इंडिया की बात वहीं पर दोस्तों टीम इंडिया की हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा कैप्टन है, तो हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है, जबकि टीम में तीसरे खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल को जगह मिली है, तो चौथे खिलाड़ी विराट कोहली हैं। वहीं पर पांचवें खिलाड़ी के तौर पर सरयास अय्यर है, तो छठे खिलाड़ी के तौर पर ईशान किशन है, सातवें खिलाड़ी केएल राहुल है, तो आठवें खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव हैं, जबकि नौवें खिलाड़ी के तौर पर रविंदर जडेजा है, तो दसवें खिलाड़ी अक्षर पटेल हैं। वहीं पर ग्यारहवें खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर है, तो बारहवें खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह हैं, तेरहवें खिलाड़ी मोहम्मद शमी है, तो चौदहवें खिलाड़ी के तौर पर मोहम्मद सिराज हैं, जबकि पंद्रहवें खिलाड़ी के तौर पर कुलदीप यादव मौजूद हैं। जबकि दोस्तों टीम में बैकअप के तौर पर वाशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन को जगह मिली है। इसके अलावा तिलक वर्मा भी टीम इंडिया की बैकअप के तौर पर मौजूद रहेंगे। अगर टॉप ऑर्डर के किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो फिर यहाँ पर तिलक वर्मा तैयार रहेंगे, जबकि संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए बैकअप विकेट कीपर के तौर पर नजर आने वाले हैं। तो वहीं पर एक ऑलराउंडर के तौर पर बैकअप के तौर पर वाशिंगटन सुंदर भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की टीम इंडिया बल्लेबाजी व गेंदबाजी कर रही है, यहाँ पर कमाल कर रही है। वहीं पर अब हम आपको बता दें कि मुकाबला कब और कितनी बजे शुरू होगा। तो दोस्तों, पहला मुकाबला 22 सितंबर को खेला जाएगा, जो कि IAS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में खेला जाना है। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर के 1:30 पर शुरू होगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरे मुकाबले की बात करें तो वो 24 सितंबर संडे को खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में। यह मुकाबला भी दोपहर के 1:30 पर ही शुरू होगा, जबकि सीरीज का आखिरी मुकाबला वेडनेसडे को खेला जाएगा। यह मुकाबला खेला जाएगा SCA स्टेडियम राजकोट में। यह मुकाबला भी दोपहर के 1:30 पर ही शुरू होगा। तो दोस्तों, क्या लगता है भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को बीट करके शानदार आगाज कर सकती है वर्ल्ड कप से पहले? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।